भैया एक रूम दे दीजिए। अरे तुम तो स्कूल के बच्चे लग रहे हो, उम्र कितनी है तुम्हारी? 17 साल। पागल हो गए हो क्या? अगर किसी को पता चला ना मैंने तुम्हें रूम दिया है, होटल बंद हो जाएगा मेरा। कोई रूम वूम दिए, जाओ यहाँ से। भैया प्लीज ऐसे मना मत करिए, हम पैसे जोड़कर यहाँ पर आए और बहुत दिनों से प्लानिंग भी कर रखी है। प्लीज आप रूम दे दीजिए, क्या ही बिगड़ेगा आपका। एक बात बताओ, अभी तो स्कूल का टाइम हो रहा है, तुम लोग बंक मार के आए हो ना? भैया उससे आपको क्या मतलब, ये हमारी पर्सनल लाइफ है। कोई रूम वूम नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ यहाँ से। भैया देखिए मुझे सब पता है कि आप ऐसे रूम दे देते हैं, और वैसे भी हम तो 11 क्लास में हैं। आपने तो 8 और 9 के बच्चों को भी रूम दे रखा है, हमारे स्कूल के बच्चों ने बोला ये बात। ऐसा क्या? तो रूम मिल जाएगा पर 2000 लगेगा। हाँ हाँ मेरे पास 2000 है, बस आप रूम दे दीजिए, ये लो 2000 रूपए। हाँ हाँ अब तो रूम जरूर मिलेगा, ये लो रूम की चाबी और अपना आराम से 2 घंटे बिता के आओ। चल चलते हैं। ऐसे ऐसे ग्राहक आते रहे ना, अपने होटल की तो चांदी कटती रहे। अरे अपने होटल का धंधा तो एकदम बढ़िया चल रहा है। हाँ भाई। अरे नमस्ते सर, क्या चल रहा है इस होटल में? मैंने सुना है तू नाबालिगों को रूम दे देता है। अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, हम बच्चों बच्चों को रूम नहीं देते, हम तो जिसे भी रूम देते हैं उसकी आईडी जमा करते हैं पहले, और बच्चों को रूम नहीं देते, बस बड़ों को ही रूम देते हैं। शांत रह, तेरा होटल की चेकिंग करनी है। अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, अरे सर चल। अरे सर सुनो तो सही सर। अरे सर सुनिए तो सही सर, इसमें कुछ नहीं है सर। अरे सर यहाँ कुछ नहीं है। अरे ओ चुपचाप खड़ा रहे और कॉर्पोरेट कर उसको, चल। ओए लड़की क्या उम्र है तेरी? 17। अच्छा तो मतलब नाबालिग हो। क्यों बे, तू तो कह रहा था नाबालिग को रूम नहीं देता, फिर ये क्या है? सर मुझे नहीं पता ये अंदर कैसे आए, मैं इनको नहीं जानता। ओए बच्चों तुम दोनों अंदर कैसे आए? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं जानता इनको। अच्छा तो तेरा होटल चिड़ियाघर है जो ये कहीं से उड़कर आ गए? बस कर अपना ये ड्रामा, अब खत्म हो चुका तेरा ये नाटक। हम कोई स्कूल के बच्चे नहीं है जो पैसे देकर हम यहाँ पे रूम लेने के लिए आए हैं। हम पुलिस के लिए काम करते हैं, और ये मेरा छोटा भाई है। हम तो तेरा यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन करने आए हैं। बहुत दिनों से हमें ये खबर आ रही थी कि तू यहाँ पे नाबालिग बच्चों को रूम्स देता है, वो भी सिर्फ एक्स्ट्रा पैसों के लिए। अरे तू तो उनसे आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं लेता है। तुझे पता भी है कितनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है? अरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, स्कूल बंक कर करके यहाँ आ रहे हैं। और सरकार ने ये सब रूल्स बनाए किस लिए हैं? कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे। अरे चंद पैसों के लालच में तूने कितनी जिंदगियां बर्बाद करी है, तुझे कुछ आइडिया भी है? मैडम मुझे माफ कर दो मैडम, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे आगे से तो तू गलती तब करेगा ना जब हम तुझे मौका देंगे। सर इसे अरेस्ट करो और ले चलो थाने में। सर प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं ये काम ही छोड़ दूंगा। वो लड़की सही कह रही है, अब तू और तेरा मालिक जेल की चक्की पीसेंगे। चल तुझे मैं बताता हूँ, चल